नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान के खिलाफ आज बरसाना में महापंचायत हो रही है। ब्रज मंडल के संत धर्माचार्य भागवत आचार्य जिसमें शामिल हैं, माना यह जा रहा है कि इसमें प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बरसाने की नहीं रावल की थी राधा रानी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने सुनाई कहानी। ब्रज में फैला है आक्रोश, साधु संतों में रोष। महापंचायत सजी, कार्रवाई की मांग उठी। ब्रज के संतों महंतों और धर्माचार्यों की मथुरा में महापंचायत हुई। ये महापंचायत कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा राधा रानी पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ है, जिसके बाद माना जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा की मुश्किल पड़ सकती हैं, क्योंकि राधा रानी के ब्रज से नाते पर सवाल उठाने से यहाँ के संत काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाने आकर माफी नहीं मांग लेते, तब तक संतों का विरोध जारी रहेगा। ब्रज के कुछ धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती भी दी है। बता दें, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एक सप्ताह से ज्यादा समय से ब्रज में विरोध हो रहा है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी बरसाने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाने में पिता की कचहरी थी, जहां वो साल में एक बार आती थी। इसके अलावा राधा रानी के विवाह पर भी विवादित टिप्पणी की। इसके बाद से ही संतों महंतों में प्रदीप मिश्रा को लेकर आक्रोश भरा हुआ है। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रेमानंद महाराज ने नाराजगी दिखाई थी। प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि कोई भी हो, हमारी किशोरी जी के बारे में होश में बोलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।